तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको टर्मक्स के कुछ ऐसे मस्ट हैव पैकेजेस बताने वाला हूँ जो आपके टर्मक्स में होने ही चाहिए। चाहे आप टर्मक्स के एक्सपीरियंस यूज़र हो या फिर आप टर्मक्स में न्यू आए हो, मतलब बिगिनर हो, तो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो हे गाइस, मैं हूं एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलेक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पैकेज है एच टॉप। तो एच टॉप एक्चुअली टॉप कमांड का ऑल्टरनेटिव है, तो आप इसको APT इंस्टॉल एच टॉप करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपली एच टॉप लिख के एंटर करोगे तो ये यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपको रियल टाइम में इंटरेक्टिव ओवरव्यू देता है आपके सिस्टम का, कि कौन सा सिस्टम क्या रिसोर्स यूज कर रहा है या फिर कौन सा कमांड आपने बैकग्राउंड में रन किया हुआ है या फिर आपके टर्मक्स में क्या क्या चल रहा है अभी तक। तो वो कंप्लीट डिटेल आपको ये एच टॉप कमांड आपको दे देगा। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है NeoFetch। तो आप इसको APT इंस्टॉल NeoFetch करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपके सिस्टम का यहाँ पे डिटेल देता है, लाइक आपके सिस्टम में कौन सा OS यूज हो रहा है और उसका कर्नल क्या है एंड उसमें जो पैकेज मैनेजर यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, सेल उसमें कौन सा है। तो इस तरह का कंप्लीट डिटेल आपको दे देता है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज है TMux। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है प्रीवियसली, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो TMux एक्चुअली स्क्रीन को स्प्लिट करने में आपका हेल्प करता है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे काफ़ी फीचर हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो आप इसको भी APT इंस्टॉल TMux करके इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज है जो कि है Git। तो आप Git तो डेली यूज करते हो, जो कि आप बेसिकली कोई भी रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए यूज करते हो, जो कि इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो Git को क्लोन करने के अलावा भी बहुत जगह यूज होता है, लाइक कोई रिपोजिटरी को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप इसको भी APT इंस्टॉल Git करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको Git के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज है जो कि Vim। तो शायद आपने इससे पहले भी नाम सुना होगा, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड यूज़र हो तो आप शायद यूज़ भी करते होगे इसको। तो Vim एक्चुअली एक टेक्स्ट एडिटर है TMux का, जैसे कि आपने नैनो देखा होगा, तो ये नैनो से काफ़ी एडवांस है टेक्स्ट एडिटर। तो इसको भी आप APT इंस्टॉल Vim करके इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। तो आप इसका यूज़ TMux में फाइल एडिट के लिए कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली जितने भी ये पैकेजेस बता रहा हूँ तो सारे पैकेज का कंप्लीट डिटेल्ड आर्टिकल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे पैकेजेस के बारे में जान सकते हो और भी गहराई में जाके। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज है जो कि है पाइथन। तो आप TMux में अगर कोई टूल को इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि .py फाइल ही होता है, मतलब जो कि यह पाइथन से ही रन होता है। तो आपके TMux में पाइथन पैकेज भी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको भी APT इंस्टॉल पाइथन या फिर पाइथन 3 करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज है जो कि WGET। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि WGET से हम कोई भी रॉ फाइल को TMux में डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजिली, तो इसको भी आप APT इंस्टॉल WGET करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज है जो कि Nmap। तो अगर आप TMux या फिर Linux के एक्सपीरियंस्ड यूज़र हो तो आपको Nmap के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि Nmap एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। ये किसी भी नेटवर्क का ओपन पोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विस वर्जन, ये सारा डिटेल आपको निकाल के दे देता है। तो आप इसको भी APT इंस्टॉल Nmap करके इंस्टॉल कर सकते हो आपके TMux में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।